right or wrong, I have no idea, but usually I always do films which when I like the subject, and then obviously then we leave it to the audience to gauge it whether it's right or wrong. But it's very important that whatever we do, we enjoy. And so this idea about Poster Boy, about three individuals from a different fraternity of life, उनकी फोटोज छप जाती हैं पोस्टर्स पर कि इन्होंने नसबंदी करवाई है, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी में किस तरह का भूचाल आया होगा। आई थिंक जितने भी कैरेक्टर्स हम लोग पोर्ट्रे करते हैं, देयर थोड़ा बहुत हमारा खुद का उसके अंदर हिस्सा ज़रूर होता है, तो इसमें थोड़ा सा एक एक्स फौजी है, उसे मौका मिलता है कि वो अपने आप को, उसकी एक तकलीफ़ है कि उसका गुस्सा बहुत खतरनाक है, तो अपने गुस्से को काबू में रखता है। वेल, विनय शर्मा इज नॉट समथिंग आई एम, बट एट द सेम टाइम इट इज एज एन एक्टर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स। तो मेरा जो कैरेक्टर है वो एक छोटे शहर में एक टीचर है, स्कूल टीचर, और कैसे उसकी बहुत ही हैंडपैक्ड है, उसकी वाइफ से डरता है, और कैसे उसकी फ़ोटो छप जाती है पोस्टर पर, और क्या होता है उसके बाद में, तो और इज बेसिकली हाउ Anybody's picture, because ये true incident हुआ था, किसी कूली के photographs लग गए थे poster पर, उनकी life में क्या हुआ था उसके बाद में, तो उसको लेके comedy track बनाया है, और एक किस्म से ये message भी देता है audiences को कि नसबंदी, I mean हमारी population इतनी बढ़ रही है, तो उसके लिए सोचना चाहिए हमें। विनय का character बहुत ही अच्छा है, बहुत ही interesting है, it's a very adorable and जो हर आदमी के साथ हो सकता है, जो मैक्सिमम हमारी जो जनता है, मेरे ख्याल से उसकी जो इश्यूज लाइफ के हैं, जिस तरह से वो जी रहा है, वो मेरे हिसाब से विनय जैसे कैरेक्टर है, जो तभी मेरे हिसाब से ढेर सारे लोग उसे आइडेंटिफाई करेंगे। आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू प्ले माई कैरेक्टर विच आई एम प्लेइंग इन द फिल्म, दैट इज विनय, वाज अ टीचर, स्कूल टीचर, एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड, इसलिए तो मैंने हाँ बोली इस फिल्म के लिए, क्योंकि एक चैलेंज था मेरे लिए, मैं शुद्ध हिंदी में बातें करता हूँ इस फिल्म में, और काफ़ी मेहनत की थी श्रेयस के साथ बैठकर इसके लिए, काफ़ी दिन हमने वर्कशॉप्स किए थे, एंड इट वाज ग्रेट फन डूइंग दिस कैरेक्टर। मैंने कहानी सुनी तो इसमें काफ़ी शुद्ध हिंदी बोलनी थी मेरे कैरेक्टर को, तो मैंने बोला यार श्रेयस ये कैसे होगा, तो श्रेयस ने बोला तू फिक्र मत कर, हम साथ में बैठ के वर्कशॉप्स करेंगे और सब हो जाएगा। तो हमने बहुत मेहनत की, हमने काफ़ी दिन वर्कशॉप्स किए, और जब शूटिंग की हमने तो एकदम स्मूथ चली गई पूरी फिल्म की शूटिंग, 37 डेज में हमने पूरी शूटिंग ख़त्म कर दी, सो इट वाज गुड फन, शुक्र भाई को छः दिन यानी नसबंदी। ये नंबर हमारी फिल्म का था, मेरी पुरानी फिल्म थी अर्जुन पंडित, उस फिल्म का गाना था, एंड बिकॉज इस फिल्म में हमें म्यूज़िक ढूंढ रहे थे कि किस तरह का करें, बिकॉज इसमें कोई ऐसी बंदिश नहीं थी कि हमें कुछ एकदम ही ओरिजिनल चीज़ चाहिए, तो वो गाना सूट करता था, फिट करता था, बिकॉज मेले का गाना चाहिए था हमें, तो वहाँ से हम लोगों ने सोचा क्यों ना यही गाना लें, और उसे रीमिक्स किया, एंड बस यही फ़र्क है कि उस पिछले मेरी जो खुद की फिल्म में थी उसमें मैं नाचा नहीं था, इसमें मुझे नाचने का मौका मिल गया। कैंडी मेनू इज बेसिकली अ सॉन्ग व्हिच इज डिस्क्राइब्स द होल सिचुएशन ऑफ द कैरेक्टर्स इन द फिल्म, and so keeping that in mind, the song was written is by Rishi Rich, and it's very peppy, aur uske dance steps humne characters ko rakh kar unko kaise modern situation mein dal ke wo gana shoot kiya, and it's got a very, I think it's my favorite number from the film, it's very catchy and very, it's got a nice beat to it. Back. Yeah, it is. I'm not so sure if it is there in the film, because Shreyas would be more aware of it. Yeah, but it's a song which goes with the. I think it goes with the movement of the story. जहाँ पर हम लोग montages में हैं, जहाँ पर they use that song. Our film Poster Boys is releasing on the 8th of September. 8 September को हमारी film Poster Boys लग रही है. Please theater में जाके देखिए, piracy को रोकिए और हमारी फिल्म जाकर देखिए। या 8 सितंबर को हमारी फिल्म पोस्टर बॉयज लग रही है, ये म्यूजिकल चैनल है, तो म्यूज़िक छोटे पर्दे पे क्यों, बड़े पर्दे पर जाके देखिए, और जब मैंने कहा मैं नाचा हूँ तो वहाँ जाके देखिए कि मैं कहाँ कहाँ मैंने गलतियाँ की हैं, तो ज़्यादा बड़ी दिखेंगी।
बड़े स्क्रीन पर गो वॉच इट इन द सिनेमा माय फिल्म पोस्टर बॉयज़.